हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप सब? आशा कर सब अपने घर पे बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। और जो भी फ्रेंड मेरे चैनल पे नया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप लोगों तक सबसे पहले पहुँच। तो गाइस, सुबह सुबह के टाइम तो हम सब आ चुके अपना खेत। पास में मेरा खेत है, तो मेरा बाबू एक चिड़िया के पीछे भागे भागे खेल रहा है। तो इधर देखो, मेरा पापा मेरा खेत में ही धानी बांध रहे, तो मेरा बाबू धानी को गट्ठा पकड़ के खींच रहा है। तो ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं, छोटो पापा, छोटो पापा मतलब छोटा पापा है, मतलब ऐसे ही मेरा पापा को दादा बुलाते हैं वो तेज भाई से। तो हम सब उसे छोटा पापा ऐसे मस्ती में बुलाते हैं। बस सब धान बंद रहे, तो मेरा पापा देखो अपना नाती के संग कर साथ में कर रहे हैं मस्ती। तो उसको खड़े होने बोला, तो तुरंत खड़े हो गए। तो देखो गट्टा कैसे करे, तो वो गट्टा मेरा पापा है हाथ में पकड़े है, उसको ऊपर थड़ी ना दे देंगे। तो मेरा पापा पकड़े है जो मस्ती कर रहे हैं अपना नाती के साथ, और वो भी खेल रहा है। जब भी उसको नाना मिलता है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है। तो ये मेरा खेत के धानी है जो मेरा पापा बंध रहे है और अपना नाती को दिखा रहे। तो देखो ऐसे ऐसे मतलब बोल रहे अपना नाती से, आ जाओ दादा आ जाओ। तो देख सकते हो आप लोग, मेरे उधर धानी ऐसे ही बांधा जाते, फिर जो मशीन है उसी से मतलब झाड़ के तब धानी निकालना चाहते। तो वो मैं दिखा नहीं पाए आप लोगों को, क्योंकि उस टाइम मैं थी नहीं इधर, मैं अपने ससुराल चली गई थी। तो मेरा पापा उसको सिखा रहा है जैसे, और वो देखो बिगाड़ रहा है। तो मेरा पापा उससे कर रहे हैं मस्ती। और सबसे गर्व वाली बात यह है, जो मेरा पापा एक किसान है और मैं एक किसान की बेटी हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है सबको कहने पर। जो मेरा पापा एक किसान है और मैं उनकी बेटी हूँ, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और देखो मेरा बाबू कर रहे हैं अपना नाना के पास में खड़े खड़े मस्ती। तो मेरा पापा सुबह सुबह के टाइम में बिल्कुल भीग चुके, आधी शर्ट जो अंगोसा पहने वो भी पूरा भीगा है, क्योंकि सुबह सुबह गिरते होश तो आप सबको पता था। देखो मेरा बाबू क्या कर रहा है, अपने नाना साथ में कर रहे हैं मस्ती। और पास में ही मेरा घर है, तो इस बार से मैं मेरी मम्मी और सिस्टर मैंने बाबू पापा सब लोग गए। मेरी बहन कर रहे अपने हस्बैंड से बात, तो मैं उसको कर रही नकल। तो वो जैसे बोल रहे मैं उसको नकल कर करके बोल रही हूँ ऐसे। तो देखो मेरे बाबू धानी को जो प्यार है वो एक एक करके खींच रहे, और मैं उसको ऐसे ही बोल रहा हूँ, ख़राब मत करो बेटा ऐसे नहीं। तो मेरी सिस्टर है वो भी उसे बुला रहे, उसको हस्बैंड को दिखा भी रहे। और मैं अपने मम्मी से बोल रहा हूँ उसको ले जाओ मम्मी, तो वो दिखा रहा है अपना हस्बैंड को, देखो तुम्हारा लड़का क्या कर रहा है। तो ऐसे ही हम सबको सुबह सुबह के मस्ती चल रहे, और मेरा पापा इधर धान भी बांध रहे हैं। सुबह सुबह एक बजे तो निकले, बहुत ही अच्छा धूप, तो सुबह सुबह शरीर में लगाने पर बहुत ही ज़्यादा फायदा होते। तो देखो अपना नाना के गोदी में उठने के चक्कर में वो अपना नाना को पकड़ रहे, लेकिन मेरे सिस्टर आ गया इसी बीच में, सिस्टर ने उसको गोदी में उठा लिया। तो चारों साइड बिल्कुल हरा भरा है, इधर जो खेत है इसमें मतलब ऐसे कुछ तो उसमें भी धान ही था। मेरे फूफा को तो उन्होंने काट लिया, मेरी बुआ को खेत है। तो मेरे पापा उसको बोल रहे बाबा बाबा बोलो, मतलब मैं तुम्हारे पापा यही बात बोलो। तो देखो मेरा बाबू उंगली से क्या कर रहा है, वो बहुत ही मस्ती करते अपने नाना के साथ। तो अब मेरे पापा उसको बुला रहे, तो वो अब मैं यही बोल रहा उसको दादा के पास सुनो, तो वो नीचे ही उतारना है, बस उसको खेलना है खाली ज़मीन पर। तो देखो कैसे खेल रहे वो, तो मैं उसको बुला रहा, देखो तुम्हारे दादा तुमको बुला रहे, कुछ बोल रहे तो वो सुन ही नहीं रहे, बस अपना खेल में मस्त। तो मैं बंगाली में बोल रही हूँ, तो थोड़ा आवाज़ उसको भी मैंने रख दिया, क्योंकि जो आप लोगों को सुनाने के लिए। इधर देखो मेरे पापा सुबह से इतना सारा धानी बांध लिया अकेले अकेले, क्योंकि जो दो मेरे भाई हैं वो बांध नहीं पाते, पापा अकेले बांध लेते। तो चलिए आगे, ये देखो गाइस मेरे घर के पास में परमल के खेत है, लेकिन मेरा नहीं है, घर के पास में एक भैया है उनको, तो देखो उसमें परमल भी लगा है एक दो। तो यही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो गांव में, देखो कितना सुंदर। मेरे उधर ऐसे माचा बोलते हैं इसको, ऐसे बना के उसके ऊपर परमल के पौधा उठा देते। अरे देखो ये बांस के पौधा है, लेकिन ये मेरा ही है, मेरा घर के पास में टीन जैसे दिख रहा है वो मेरा ही घर है। तो मेरा घर के पास में ये पौधा, अरे ये देखो गाइस, ये देख के ये पत्ता देख के आप लोगों को ऐसे लग रहा है जैसे फूल है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन गाइस ये कोई फूल नहीं है, एक पेड़ है। तो ये पेड़ के पत्ता बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जब सुबह सुबह सूरज की रोशनी मिलती है तो और ज़्यादा सुंदर लगते हैं।
इधर मेरा बाबू भी बातें कर रहा है। ये पेड़ मतलब ये पत्ता कलर है ऐसे, लेकिन इसको फूल पिंक कलर के होते, लेकिन अभी नहीं थोड़े दिन बाद होंगे तो तब मैं रहूँगी नहीं, इस बार से आप लोगों को दिखा नहीं पाऊँगी। तो ये देखो, आप लोग सोचेंगे पता नहीं क्या घास आस बिनने लगा, तो घास नहीं है गाइस, एक कुले खड़ा साग है, बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें खून बढ़ाते, प्रोटीन भी है इसमें बहुत ही अच्छा, सब लोग बोलते हैं इसमें शरीर में कमजोरी भी ख़त्म करते, तो बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद साग है। तो हर जगह नहीं मिलते, तो ये साग में कांटे भी है, तो हल्की काटे तो वो निकाल के तब इसको सब्जी बनाना पड़ता है। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन यूपी में जहाँ पे मैं रहती हूँ उधर ये नहीं मिलते, तो इस बार से नहीं खा पाती। तो घर पे आ गई तो मैंने सोचा चलिए बिनते, ये मम्मी ने बैठाए थे मेरे घर के पास में, ये जो खेत के आप लोग देख सकते हो, तो पीछे धानी है, तो धानी के खेत के साइड में मम्मी ने बैठाया है। और ये अरबी का पौधा है, जो अरबी होते हैं जो पता नहीं क्या क्या बोलते, कोई बंडा बोलते कोई अरबी बोलते, तो यही मैं बीन इसके पास में मम्मी ने बैठा तो यही मैं बीन रहे, तो मुझे तो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती, तो मैं ही बीन। और जो उधर जो और एक पौधा मैं दिखा रही हूँ, तो मेरी सिस्टर से बोल रही हूँ वो निकाल के ले आओ, तो मेरी सिस्टर बोल रहा है तुम जाओ, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगी उधर। तो गाइस आप हो चुके शाम, तो आज थोड़ा मौसम ख़राब है इधर, तो मैंने इसलिए पापा ने बोला मौसम ख़राब है, धानी ख़राब हो जाएंगे भीग जाएंगे, तो बांध चुके प्यार, तो इस बार से हम सब पूरे इकट्ठा कर रहे हैं धानी, मैं हूँ, मम्मी है, सिस्टर है, और पापा अपना नाती को कंधे पर लेकर मस्ती कर रहे हैं, तो काफ़ी सारा धानी इकट्ठा भी कर चुके हैं मैंने नहीं सबने मिलकर, मैं और मेरे पापा देखो अपना नाती को कंधे पर उठा के उसको हंसाने के लिए मस्ती करने के लिए, तो इस बार से मेरे पापा भी दो लेकर, तो मैंने अपने पापा को मना कर रहे जो तुम ना करो तुम्हें कष्ट हो जाएंगे। तो मेरा पापा ऐसे थोड़ा तबीयत ख़राब था सुबह के बाद, जैसे ठंडी मौसम में मेरे पूरा भीग चुका था, मेरे पापा को थोड़ा सांस की तकलीफ है, तो इस बार दोपहर के टाइम थोड़ा सांस फूलने लगा, तो इस बार से मैं मना कर रहा अपना नात, तो लेकिन पापा बोल रहे नहीं अभी थोड़ा सही है, अभी कोई दिक्कत नहीं। तो बहन ने भी दो गट्ठा उठा दिया हाथ में पापा का, और देखो दोनों नाना और नाती मिलके मस्ती कर रहे, वो अपना नाना के कंधे पर बहुत ही मस्ती में है। पता है उसको सबसे खास बात मेरे मम्मी पापा मिल जाए, बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। तो देखो कैसे मस्ती करे, तो मेरे पापा कह रहे आप नहीं लाएंगे, तो देखो कैसे हंस रहे अपना नाना के कंधे पर बैठ कर। तो इधर सिस्टर भी इकट्ठा कर रहे और बातें कर रहे कुछ, तो मैंने वो आवाज़ इसलिए रख दिया जो आप लोग बंगाली आवाज़ बहुत सारे लोग सुनना चाहते थे, इस वजह से मैंने वो आवाज़ रख दिया। तो देखो मेरा बाबू का मुस्कान बीच बीच में थोड़ा ऐसे मुस्कुरा रहा है, तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा मुस्कान है मेरा, क्यूट सा बाबू है। तो बहन हम लोग आपस में बात भी कर रहे और इकट्ठा भी कर रहे, और मैं ऐसे बाबू को नौटंकी करके बोल रहे बाबू मैं थक चुके हूँ मुझे किच्ची दे दो, तो मना कर रहे, वो सोच रहे मुझे कंधे से उतारने आए मेरा मौसी, लेकिन मैं तो कंधे से उतारने नहीं आई, मैं तो उसको किच्ची लेने आई थी, लेकिन वो सोचा मुझे उतार के ले जाएंगे, लेकिन वो कंधे पर बैठे इसलिए वो उतारना नहीं चाहते नीचे। तो मैं हम सब कर रहे धानी को, तो पता है गांव में ऐसे ही काम है, जब कोई काम होते तो सब लोग इकट्ठा करते, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, जो इस साल मैं भी कर पा रही हूँ, लेकिन जब से यूपी में हूँ तब से तो ऐसे मौका मिलती नहीं, लेकिन अच्छा भी लग रहा है इन काफ़ी दिन बात कर रहे, तो इस बार से थोड़ा कष्ट भी हो रहा है। तो क्या गांव के बेटी हूँ तो इतना तो ज़रूरी, किसान की बेटी हूँ तो भैया ये तो पहले मैंने किया है, तो मुझे आदत भी है, ऐसा नहीं है जो मैं कभी किए ऐसे काम किए नहीं, भैया मैंने किया है, जो मैंने किया है वो मैं झूठ क्यों बोलूँ, तो मैंने बहुत ही किया है ऐसे काम, तो मुझे अच्छा भी लगता है, तो इस वजह से मैं कर रही हूँ अपना खेत के काम है, तो भैया अपना तो करना ही है। तो इस बात से आप लोग देख सकते हो मेरा पापा अपना नाती को कंधे पर बैठे ही है, बस उतरना नहीं चाहते, और मेरी मम्मी और मैं मेरे सिस्टर और दोनों भाई, छोटे वाले भाई अभी घर पे हैं नहीं, बड़े वाली वो भी घर पे नहीं है अभी इस टाइम, इस वजह से तीनों कर रही हूँ, और आप लोगों के भैया जी बना रहे वीडियो, तो हम सब कर रहे धानी इकट्ठा। तो किसान के काम ऐसे ही, जितना कष्ट है उतना ज़्यादा शौक भी है, तो किसान में तो थोड़ा कष्ट तो होते ही है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब हूँ जो मैं किसान की बेटी हूँ, और ये फसल पूरे मतलब सबके जरूरी है, अन्न सबको जरूरी है, तो इस वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा खुश है। तो
शायद कंप्लीट हो गया, थोड़ा बहुत और बचा है। तब हम सब ने मिल के कर रहे बातें, मम्मी ये सिस्टर है, तो मैं ऐसे कमर में खड़े हो गए, कमर में हाथ लगा के मेरे पाप मैं उससे बोले और ले आओ और ले आओ, तो देखो अभी वो बोलेंगे और है ही नहीं, ख़त्म हो गए। तो कहे नहीं नहीं मतलब और है नहीं, बोल रहे नहीं मतलब नहीं है। तो चलिए फ्रेंड, गांव का खेत कैसा लगा आप लोगों को कमेंट में ज़रूर बताइए। तो देखो डांस करने जा रहा है, लुंगी डांस जो डांस है, मैं बोल रहा हूँ डांस करो तो मेरा बाबू ऐसे डांस करने जा रहा है, तो उसको जो सैंडल है उतर गए, तो इस बार से सिस्टर उसको सैंडल पहना रहा है और मेरा पापा उसको पकड़ के खड़े हैं। तो हम सब कर रहे हैं आप मस्ती, क्योंकि आप पूरा धान इकट्ठा करना हो चुका है कंप्लीट, और मेरा बाबू देखो चप्पल पहने तो दूर, और मैं मेरे सिस्टर के बोल रहे छोटा वाला ले आती तो बहुत ही अच्छा होता, लेकिन वो बोल रहा है नहीं उसको फीता सब ऐसे ढीला है। तो मेरे मम्मी देखो, मेरे मम्मी भी थक चुके, तो मेरे पापा मैं भी उसको ऐसे हिला हिला के दिखा रहे लुंगी लुंगी कर रहे, लेकिन वो हंस रहे क्योंकि उसको आप दिखाना नहीं है, उसको अब उदम करना है। तो देखो मेरा पापा भी दिखा रहा है लेकिन उसको नहीं करना है। तो चलिए फ्रेंड, हमारा मस्ती तो ऐसे ही रहते क्योंकि मेरा बाबू जब घर पे रहते तो सब लोग करते हैं मस्ती और सब लोग बहुत खुश भी रहते। तो मेरा गांव का वीडियो, मेरा खेत का वीडियो, मेरा धान का वीडियो, मेरा हम सब का मस्ती वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो देखो मेरा बाबू भी कर रहे आप लोगों के बाय बाय, तो फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हम उनसे बोल रहे मौसा को भी बाय कर, तो देखो अपना मौसा को भी बाय कर दिया। तो गाइस बाय बाय।